हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 60 डिग्री का कोण बनाना सीखा था प्रकार की सहायता से, प्रकार पेंसिल की सहायता से। और इस वीडियो में जानेंगे हम 90 और 120 डिग्री का कोण हम कैसे बनाते हैं प्रकार पेंसिल की सहायता से। हम क्या करते हैं, पहले हम एक रेखा खींच लेते हैं जिस रेखा पर हमें कोण बनाना है। ये मैंने रेखा खींच ली है, रेखा को हम कुछ भी नाम दे देंगे। ये 8 सेंटीमीटर की एक रेखा ले ली है, इस रेखा को नाम दे दिया है ए बी। ये रेखा है ए बी, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। कुछ भी इसकी लंबाई हो सकती है, अगर रेखा की लंबाई नहीं बताई गई है कि कितने सेंटीमीटर की रेखा हमें लेनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रकार लेंगे, प्रकार में पेंसिल लगाएंगे। और एक जिस तरह से 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम एक कोई दूरी प्रकार में भर लेते हैं, इस दूरी का कोई फिक्स नाप नहीं है कि ये हमें कितने सेंटीमीटर की लेनी है। इसे हम अपने हिसाब से दूरी को ले लेते हैं, इसे हम नाप लेते हैं अंदाजे से। भरी हुई दूरी है ये, लगभग 2.5 सेंटीमीटर की दूरी है। इसमें हम क्या करेंगे, 120 डिग्री का कोण बनाने के लिए जिस तरह से हम 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए एक चाप खींचते हैं, बिंदु ए पर प्रकार को रख के एक चाप लगाते हैं। और ये चाप हमारी रेखा ए बी को किसी बिंदु सी पर काट देता है। अब इसी दूरी को हम घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, जिस दूरी से हमने ये चाप लगाई थी उसी सेम दूरी से हम क्या करेंगे, अब प्रकार की नोक हम बिंदु सी पर रखेंगे और एक चाप हम लगा देंगे इस चाप पर जो पहला चाप हमने लगाया था। ये जो पहला चाप होगा ये कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। अब इस चाप पर हम रखेंगे अपनी प्रकार की नोक और दूसरा चाप लगा देंगे। ये जो दूसरा चाप होता है ये होता है 60 और 60 120 डिग्री का। अब ये जो बिंदु हमें मिला इसे हम नाम दे दें डी, इसे नाम दे दिया ई। ये जो ई बिंदु मिला, ये बिंदु है बिंदु ई। इस बिंदु ई को हम क्या करेंगे, बिंदु ए से और बिंदु ई से होती हुई एक रेखा खींच देंगे। अब ये जो हमें कोण मिला इसका अगर हम नाम दे दें एफ, तो कोण एफ ए बी जो कोण है हमारा वो कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, 120 डिग्री का कोण ये बन गया है हमारा। अब इसे हम नाप भी लेते हैं कि ये हमारा 120 डिग्री है या नहीं है। हम बिंदु ए पर इस तरह से चांदे को रखेंगे कि हमारा चांदा जो है वो ये जो पीछे की ए बी रेखा है और इसकी चांदे की जो रेखा है ये दोनों ऊपर नीचे आए। और फिर हम इसे नापेंगे तो देखते हैं हम, हमारा जो कोण बन रहा है वो लगभग 122 डिग्री के लगभग हमारा कोण बन रहा है। तो थोड़ी सी जो होती हैं त्रुटियां रह जाती हैं रचना करते टाइम, जो इसमें रही है, क्योंकि क्या होता है हमें लाइन खींचने में लाइन इधर उधर हो जाती है, प्रकार की दूरी काम करते टाइम घट बढ़ जाती है, तो ये त्रुटियां हो जाती हैं। लेकिन ये लगभग कितना कोण है, 120 डिग्री का कोण है। यह है प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाना। अब इसी कोण में हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब हमें 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करना है कि ये 120 डिग्री वाला चाप है, ये 60 डिग्री का चाप है। हम क्या करेंगे कि इस चाप की दूरी को थोड़ा सा घटा या बढ़ा लेंगे। ऐसा करते हैं हम, हमें 90 डिग्री का कोण हमें पता है 120 से कम होगा और 60 से ज्यादा होगा। हम एक दूरी ऐसी भर लेते हैं प्रकार में कि हमने थोड़ी ये दूरी बढ़ा ली। एक बार हमने अपनी प्रकार को रखा बिंदु डी पर और एक चाप ये यहाँ लगा दी। अब दूसरा चाप हम बिंदु ई पर अपनी प्रकार की नोक रखेंगे और दूसरी चाप ये इस तरह से लगा देंगे। अब जहाँ इन दोनों चाप का कटान बिंदु हमें मिला इसे हमने नाम दे दिया बिंदु को जी। ये है हमारा बिंदु जी, जहां दोनों रेखाएं आपस में, दोनों चाप आपस में काट रही हैं। इसे बिंदु जी को बिंदु ई से हम क्या करेंगे, मिला देंगे। अब ये जो कोण होगा जी, इसे एच हमने नाम दे दिया, एच ए,
बी, ये जो कोण होगा ये कितना होगा हमारा 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। इस तरह से हम कोणों की रचना करते हैं, 120 अंश के कोण की और 90 अंश के कोण की रचना करते हैं हम प्रकार और पेंसिल की सहायता से। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।